ये इसके दोनों तरफ ना बहुत बड़ी बड़ी पीछे माइंस हैं, और यहाँ लगातार ब्लास्टिंग होके माइनिंग चलती रहती है। ये अंदर से मार्बल निकाल रहे हैं यहाँ पर। ओए, ले चले के घर में लगवाने के लिए। लेफ्ट राइट में व्यू देखो तुम, व्यू ये देखने के लिए तुम्हें मेघालय जाना पड़ता जो तुम्हें यही दिखाया जा रहा है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सबका अपने चैनल ट्रैवलर्स पर। अभी दरअसल हम निकले हैं चित्तौड़गढ़ से बांसवाड़ा के लिए। तो चित्तौड़गढ़ से बांसवाड़ा के बीच में ना एक छोटा सा डैम पड़ता है, चाकमा डैम। मुझे बताया गया है कि लोकेशन बहुत रिमोट है, काफ़ी डीप अरावली हिल्स के रेंज के बीच में है। तो मैंने कहा एक बार जरा उसको देखा जाए। तो हम चित्तौड़गढ़ से लगभग 80-90 किलोमीटर आ गए हैं, और प्रतापगढ़ से थोड़ा पहले एक कट लिया है हमने राइट हैंड साइड पर। चलिए आपको डैम दिखाते हैं, और फिर सीरीज में हम आपको पूरे बांसवाड़ा की सैर कराएंगे कि एक से डेढ़ दिन में आप बांसवाड़ा में क्या क्या देख सकते हैं, घूम सकते हैं। भाई कहने को तो हम राजस्थान में हैं, लेकिन हम दोनों को ही आज फील आ रहा था, ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में घूम रहे हैं हम लोग। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भी हम जब थोड़े से फॉरेस्ट एरिया में जाते थे ना, तो बिल्कुल ऐसा ही जंगल हुआ करता था। नहीं डियर, मतलब मुझे तो ऐसा रोड भी मत, इवन रोड कंडीशन भी वैसी है ऑलमोस्ट। तो फिलहाल हम जखामा नहीं जाखमा, एक जखामा भी है नागालैंड में, जखामा विलेज है, जाखमा है, जाखमा इरिगेशन एरिया में आ गए हैं, और काफी रिमोट से भी रिमोट है। थोड़ा रिमोट एरिया तो है, खैर कोई शक नहीं है इसमें। पीछे कॉलोनी थी वो भी ऐसी थी, रोड खराब है, बारिश में आने वाला नहीं है, लेकिन बारिश में ही आना है इधर तो। डैम में अगर पानी देखना है तो आफ्टर बारिश भी आ सकते हैं ना। जैसे हमारे आफ्टर बारिश थोड़ा तब पूरा शबाब आपको मिलेगा। तेज बारिश होगी अगर तो डैम पे से पानी ओवरफ्लो कर रहा होगा, ये भी है। तो दोस्तों अभी हमने सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में एंट्री कर ली है। बाहर एक गेट था एक्चुअली, डैम के डैम पॉइंट से लगभग 3-4 किलोमीटर पहले एक गेट है, और चेक पोस्ट है फॉरेस्ट की, गूगल मैप पे भी नजर आ जाएगी आपको। तो वहां पर ₹145 पर पर्सन एंट्री है, अगर आप स्टूडेंट है तो ₹55, और 330 कार की एंट्री है पर कार, बाइक की ₹70 एंट्री है। तो चार लोगों की हमने 145 के हिसाब से टिकट ली है, और अपनी गाड़ी की टिकट ली है, और अब लगभग 3.5 किलोमीटर बचा है हमें डैम पहुंचने में। पूरा डेंस फॉरेस्ट एरिया है, और डैम अभी क्या है, बारिश अभी ख़त्म ही हो रही है, मतलब चली रही है, तो डैम में पानी होने की संभावना है अच्छी। किस्मत थोड़ी बढ़िया रही तो ओवरफ्लो होता हुआ भी डैम दिख सकता है यहाँ पर। तो आ सकते हैं आप लोग, अगर मन है एक थोड़ा सा रिमोट एरिया, एक थोड़ी सी अच्छी सी ड्राइव करने का, रिमोटेस्ट एरिया मतलब। हाँ रिमोट तो है, देखो मेन हाईवे से 29 किलोमीटर अंदर है, और अंदर आते समय पूरा आपको मतलब थोड़ा ट्राइबल बेल्ट है वो क्रॉस करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप फॉरेस्ट एरिया में आ जाओगे, और तो उस तरीके से अच्छा है, और वो मुश्किल और कच्ची रोड पे ट्रैवल करना, और हाँ थोड़ा सा रोड बीच बीच में कच्चा भी है, तो उसको भी देख उसके हिसाब से ही आपको आना पड़ेगा। वेलकम, रेंट्स ऑफ रेस्ट हाउस, ये रेस्ट हाउस है भाई। ये है जाखमा डैम का रिजर्वायर, और डैम से कुछ 700 मीटर पहले गाड़ी रोक दी है, वहाँ से आप पैदल चल के जाएंगे भाई लोग। ये रही डैम वॉल, अभी वाटर लगभग लेवल पे आया हुआ है। चलिए देखते हैं, आपको दिखाते हैं। राजस्थान में ऐसी जगह होना अपने आप में ज़बरदस्त है, पहली बात तो बिल्कुल शांति। कलम पिछले ब्लॉग में आपने अगर देखा होगा हमारा चित्तौड़गढ़ वाला ब्लॉग ना, उसमें बहुत पब्लिक थी भाई, इतनी पब्लिक के क्या बताऊं, और आज यहाँ कतई कोई नहीं है। ये देखिए हरा पानी, इसमें मगरमच्छ भी रहते हैं बहुत सारे। मस्त लग रहा है,
क्या सुपर चश्मा तो देखना पड़ेगा। अरे वाह लाइट आ रहे हैं। सो दिस इज द डैम वॉल, ये है वाटर रिजर्वायर, और जब ये ओवरफ्लो होता है तो पानी इसके ऊपर से गिरता है। ये जो बन रहे हैं गेट, जब ये ओवरफ्लो हो जाता है तो इसके ऊपर से पानी गिरता है, और कभी कभी बहुत ऊपर भी आ जाता है तो नीचे गिरता हुआ पानी बहुत सारा दिखता है। नीचे बिल्कुल डीप है ये, अभी नहीं देर, अभी कम होगा, गिर तो रहा होगा थोड़ा बहुत पानी, बारिश होती तो डेफिनेटली और ज़्यादा गिरता हुआ दिखता। ऐसी जगह आने का ना अलग ही चाम है, खाली शांत दूर अलग जगहें, और देखने को तो आपको बहुत कुछ मिलता ही है। एक आम डैम है, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट की ये इतनी दूर इतने रिमोट एरिया में और राजस्थान में बना हुआ है, अरावली हिल्स के बीच में। ये सारी अरावली हिल्स हैं, तो फिलहाल हम डैम वॉल तक आ गए, अब डैम वॉल पर चलते हैं एक बार और देखते हैं आपको लेफ्ट एंड राइट क्या है कहानी। कब का बना है? 68। अच्छा 1890 नहीं, 1986 में बना था ये। और ये है डैम वॉल जिस पर अब हम चल रहे हैं, इसके ठीक अपोजिट नीचे। दिस इज द स्पिलवे, पानी यहीं से ओवरफ्लो करके भागता है वापस। चाखम बांध से बांसवाड़ा के लिए हमने लिया है लोकल ट्राइबल रोडी, हम हाईवे पे नहीं गए अभी, और अब हम ना हम जा रहे हैं एक्चुअली बांसवाड़ा की दूसरी जगह आपको दिखाने के लिए, जो कि है बाणेश्वर धाम। एक बहुत ही फेमस मंदिर है ये लोकल लोगों के बीच में, और यहाँ दो नदियाँ तो मुझे दिख गई गूगल मैप पे मिलती हुई, लोग कहते हैं तीन नदियाँ मिलती हैं, तो एक तो माही है वो मिलती है, एक नदी और आती है और एक और आती है, तो कौन कौन सी आती है वो मैं वहीं जाके बताऊँगा आपको, क्योंकि तो मुझे भी नहीं पता है अभी। तो हम जा रहे हैं बाणेश्वर धाम, ये बांसवाड़ा से थोड़ा सा बाहर की तरफ है, लगभग 40-50 किलोमीटर अलग है ये बांसवाड़ा से, तो हम यहाँ से जाखम डैम से सीधा वहाँ जा रहे हैं बाणेश्वर, और बाणेश्वर से फिर रिटर्न मारेंगे बांसवाड़ा के लिए। बने रहिए, देखते रहिए बांसवाड़ा हम लोगों के साथ। एक चीज़ जो इस बार बांसवाड़ा की तरफ आके और जो मतलब चित्तौड़ की तरफ आके देखी ना, पता थी लेकिन देखना पहली बार हुआ, सीमेंट की फैक्ट्रीज भाई, ज़बरदस्त अमाउंट में सीमेंट की फैक्ट्रीज देखने को मिली। और ऐसी एक जगह पर हम और पहुँच रहे हैं, ये बहुत बड़ी कोई क्वेरी है, यहाँ पर माइनिंग हो रही है, बहुत बड़ा एरिया गूगल मैप पर ये नजर आ रहा है बेटे। अब ये सारा जो आप सामने पहाड़ देख रहे हो ना, ये नेचुरल नहीं है, ये सब सामान निकालने के बाद बनाया गया है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है ना वो यहाँ पे पड़ा हुआ है सारा। ये देखो आप, ये इसके दोनों तरफ ना बहुत बड़ी बड़ी पीछे माइंस हैं, और यहाँ लगातार ब्लास्टिंग होके माइनिंग चलती रहती है, ये सब एक्स्ट्रा वो है मटेरियल। तो जिस चीज की मैं बात कर रहा था अभी माइनिंग की, यहाँ देखिए दोस्तों ये चल रही है लाइमस्टोन की माइनिंग, यहाँ लाइमस्टोन निकाला जा रहा है, और ये नीचे देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये नीला पानी बिल्कुल बिल्कुल ब्लू वाटर, और इसे कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। ये डेंजरस नहीं होती है, एक होती है शाफ्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग में क्या होता है ज़मीन के अंदर जाते हैं, लेकिन ये ओपन कास्ट माइनिंग है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ज़मीन को ही ऊपर कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, और फिर इसमें से मिनरल्स को निकाला जाता है। तो यहाँ पर लाइमस्टोन जो है ये निकाला जा रहा है यहाँ से,
और फिर इसको सीमेंट के लिए ले जाया जा रहा है आसपास की फैक्ट्रीज में जहाँ पर इससे सीमेंट बनेगा। बट उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है नीचे जो पानी आपको नज़र आ रहा है ना, ब्लू कलर का ज़बरदस्त। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये सारा रास्ता बेसिकली ट्रक्स को, ट्रक्स के आने जाने के लिए, ताकि ट्रक्स में सीमेंट भरा जाए, वो सॉरी लाइमस्टोन भरे और फिर ऊपर पहुंचा दे। इसमें ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के बाद इसमें माइनिंग होती है। चलिए अब आगे चलते हैं, ऐसी कुछ जगह है। और ये देखिए, यहाँ से जो एक्स्ट्रा मटेरियल निकालता है ना, उसको ये लोग यहाँ ले जा के रख देते हैं, फालतू का मटेरियल सारा यहाँ डाल दिया जाता है। भाई मज़ा आ गया आज की राइड ने ना, मतलब सवा बांध दिया। क्या कह रहे हो टीआर? बहुत बढ़िया, लाजवाब। मतलब आज की राइड दिल खुश हो गया है। और इतना रूरल एरिया में से होकर हम आए हैं ना, मतलब राजस्थान के लोगों को भी नहीं पता होगा वो रोड, तो जिन रोड से हम आए हैं। हाँ, राजस्थान के बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा भाई, हम खुद राजस्थान से हैं, हमारी निकासी हमें नहीं पता था। मतलब इतना डीप अंदर एरिया होते हुए, और ये लगाइए मतलब हाईवे पे तो हम गए ही नहीं है दोस्तों। हाईवे जो छोड़ा है उसके बाद से मतलब हम 100-150 किलोमीटर घूम चुके हैं, हाईवे टच ही नहीं किया है अभी सुबह से। सब अंदर ही अंदर घूम रहे हैं, सारा लोकल ही लोकल घूम रहे हैं। बस ये नुकसान है कि रोड थोड़े अच्छे नहीं मिल रहे हैं, कई रोड अच्छे हैं, कई रोड थोड़े ख़राब हैं, बस यही समस्या हो रही है। वरना खूबसूरती रोड पर खूब है, चारों तरफ हरियाली। बस है ना दोस्तों, हम आ गए हैं माही नदी के किनारे, बांसवाड़ा से थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे। भाई हुआ ये, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था ना, वो रूट था दूसरा, वो दूसरी तरफ था। हम 15 किलोमीटर घूमकर आए हैं, क्योंकि वहाँ से जो उतरने का रास्ता था माही नदी पर, वो कच्चा था और वो सही नहीं था। इस कारण हमें वाई बलाई जाना पड़ा और घूम घाम के वहाँ से आना पड़ा। अब हम दोबारा आ गए वापस नदी को क्रॉस करने के लिए। ये एक्चुअली जो मंदिर है ना, अविनेश्वर मंदिर, ये बना हुआ है एक ब्रिज उस पर, आइलैंड पर, ये नदी के बीचों बीच है। दो तीन नदियाँ मिलती हैं यहाँ पर आके, दो नदियों के बीचों बीच है ये मंदिर एक्चुअली। तो नदी तो क्रॉस करनी पड़ेगी एनी हाउ, तो हम जिस तरफ से आ रहे थे ना, उस तरफ से रास्ता नहीं था, क्योंकि हम अपोजिट साइड से आ रहे थे। अब हम घूम घाम के 15 किलोमीटर बांसवाड़ा साड़ी वाली साइड से होकर आए हैं, और अब हमने नदी क्रॉस कर ली है। लेकिन जब आप आएंगे कुछ टाइम बाद होपफुली, तो ये ब्रिज बन जाएगा, ये ब्रिज का काम चल रहा है। आप कब आते हैं उस पर भी तो डिपेंड करता है, लेकिन ये ब्रिज बनेगा कुछ टाइम बाद, तो तब ये इजी हो जाएगा आना जाना इस पर। और तो फिलहाल हम बेड़ेश्वर मंदिर के मुख्य धाम में आ गए हैं। यहाँ शिव जी का भी मंदिर है, कृष्ण जी का भी मंदिर है। तो बेड़ेश्वर में तीनों जो प्रभु हैं, तीनों हैं। ये जो मुख्य मंदिर है यहाँ पर बेड़ेश्वर हरिधाम, ये है विष्णु जी का मंदिर, एक ब्रह्मा जी का मंदिर है, और एक यहाँ पर शिव जी का मंदिर है ऊपर। तो यहाँ पर तीनों मंदिर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये वाला मंदिर यहाँ बन रहा है। और दो नदियाँ यहाँ पर बेसिकली आती हैं, एक है सोम नदी जो इधर आप देख रहे हो, वो सोम रिवर है, और जो पीछे अभी जो हम नदी क्रॉस करके आए थे वो थी माही नदी। और जो जाखम है वो माही नदी में पहले ही मिल गई है, तो उन दोनों के मिलने के बाद वो तीसरी नदी मानी जाती है। जगह काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है और अच्छी जगह है, थोड़ी साफ़ सफाई और हो जाती तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता। तो अब चलते हैं बेड़ेश्वर महादेव, जो शिव मंदिर है, उसके दर्शन करते हैं, जिसको सबसे मुख्य मंदिर माना जाता है यहाँ पर। ये जो बेड़ेश्वर महादेव हैं, इनकी ट्राइबल लोगों में बहुत मान्यता है, और यहाँ पे ट्राइबल लोग बहुत आते हैं। और अभी कुछ टाइम पहले हमारी जो प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो भी यहाँ पे दर्शन के लिए आई थी। मंदिर अभी ऐसी अवस्था में है क्योंकि ये बन रहा है, लेकिन कुछ टाइम में ये बन के तैयार हो जाएगा। तब हम आ गए हैं श्री गौड़ समाज बेड़ेश्वर,
ये तो हमारा ही मंदिर हो गया भाई, हमारे ही ब्राह्मण ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्राह्मणों का बनाया हुआ गॉड समझ का। मुझे नहीं पता हम लोगों ने ये मंदिर कब बनवाया, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। और विपरीत ब्रह्मा जी का मंदिर एक यहाँ पर भी है। जय हो प्रभु, क्षमा करना, गलतियों को माफ करना, सद्बुद्धि देना। आओ मंदिर से निकल गए दोस्तों, और अब सीधी गाड़ी जा रही है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। मंदिर के दर्शन बहुत बढ़िया हुए, अच्छा था, ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों मंदिर देखे। और इंटरेस्टिंग बात, हमें गॉड समाज का मंदिर देखने को मिला। आप में से कुछ लोग तो जानते होंगे कि अपन भी गॉड ही ब्राह्मण है, तो देखकर अच्छा लगा, एक जगह ऐसी जो अपने समाज से जुड़ी हुई है। बस अब निकल के त्रिपुरा सुंदरी में मिलते हैं आपको। ये बांसवाड़ा का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है, और ये जो मंदिर है बेणेश्वर महादेव, इसका जो महत्व है संगम की वजह से काशी और इलाहाबाद के बराबर माना जाता है यहाँ के लोगों में। जैसे काशी में और इलाहाबाद में लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए शिव जी के, वैसे ही लोग यहाँ भी जाते हैं। खासकर भील कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके बीच में इस मंदिर का बहुत महत्व है। यहाँ लगातार उन लोगों का आना लगा रहता है, जैसे कि आपने फोटो में जिन लोगों को देखा वो भील समुदाय से ही बिलोंग करते थे। ये भुट्टे चुराते हुए ज़्यादा लालच ना करे। हाँ, चार ले आए ना, चार लोगों के चार ले आए। अरे वाह, वी हैव मेड इट टू त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर, जो कि बांसवाड़ा से कुछ 25 किलोमीटर दूर है, और बेहद ही खूबसूरत मंदिर ये मुझे लग रहा है, बहुत बड़ा है। हालांकि आज भीड़ कम है, चलते हैं सीधे अंदर। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो उसके लिए माफ़ी, हम आपको अंदर का कुछ भी नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन आप ये मंदिर परिसर ज़रूर देख सकते हैं। त्रिपुरा सुंदरी माता दर्शन के बाद हम आ गए हैं इनकी भोजनालय में, जहाँ पे 70 रुपये में थाली मिलती है, और दाल है, सब्जी है, हलवा है, पूड़ी है, चावल है, जितना खाना है खा सकते हो। फेसबुक पर मैंने पता किया था, तो लोगों ने मुझे कहा था कि भाई ज़रूर एक बार खा के आके देखना आप कैसा रहता टेस्ट, हम खा लेते हैं फिर आपको करते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन किया है भाई लोगों, और बहुत ही अच्छा भोजन था। शाम का समय था, सुबह 11:15 से लेकर 2:30 बजे तक, और शाम को 5:15 से लेकर रात को 8-9 बजे तक का टाइम रहता है भोजन का। अब चलते हैं यहाँ से वापस, आज का दिन हमारा यहीं ख़त्म होगा। अब जाके हम होटल ढूँढेंगे और स्टे करते हैं आज बांसवाड़ा में। कल मंदिरों से अलग आपको कुछ और दर्शन कराएंगे हम बांसवाड़ा की जगहों के। तो वीडियो का करते हैं यहीं समापन, और हम आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए ट्रैवलिस्ट।